Hi, myself Himanshu Sharma. आज हम बात करेंगे HLP Group के बारे में. HLP Group is a home and land planner group. अगर मैं इनके already projects की बात करूँ तो इनके कुछ delivered project हैं, कुछ इनके ongoing project हैं. Commercial की बात की जाए, अगर commercial में एक इनका HLP Galleria के नाम से project आ रहा है, that is Mohali Phase 8 में अपने पास एक HLP Galleria के नाम से project रहेगा जो totally commercial है. Second project की बात करें Aero Arcade के नाम से, जो अपना ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, कुछ उसमें बल्ट अप शोरूम थे और कुछ हम प्लॉट्स के साथ आए थे. थर्ड दिस वन प्रोजेक्ट, दिस इज सोशल स्क्वायर, जिसके बारे में हम बात करेंगे. दिस इज टोटली कमर्शियल. अगर इनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात की जाए तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में हम कुछ डिलीवर कर चुके हैं अर्बन वाटिका के नाम से, जो पारस डाउनटाउन के बिल्कुल एडजेसेंट रहेगा. एंड सेकेंड प्रोजेक्ट इज डेराबसी में रहेगा, वो अपना बेला होम 1 के नाम से है. एंड अगर हम बात करें अब इस प्रोजेक्ट के, दिस इज सोशल स्क्वायर, जिसमें अपने पास टोटली कमर्शियल है. हम चलते हैं इस प्रोजेक्ट की साइट पे, जिसके हम बारे में बात करें. सोशल स्क्वायर प्रोजेक्ट की बात करें अगर, ये बिल्कुल बैंग ऑन हाईवे रहेगा, जो अपना पटियाला हाईवे के लोकेशन पर प्रोजेक्ट है. जिसके हम बात करें बिल्कुल मेन एंट्री एग्जिट अपनी हाईवे से ही रहेगी. एंड अगर इसकी एंट्री एग्जिट की बात करें, दो साइडेड पे ये रहेगा. ये बिल्कुल कॉर्नर साइड पे आ जाता है, जिसकी कनेक्टिविटी एक अपने पास VIP रोड से आ जाती है. दिस इज पटियाला जीरकपुर हाईवे. आपने पटियाला रोड जीरकपुर में रेडिसन का नाम तो सुना ही होगा. बिल्कुल रेडिसन के डायगनल ऑपोजिट अपना प्रोजेक्ट आ जाता है. अगर हम इस प्रोजेक्ट की साइट के एंट्रेंस की बात की जाए, इस प्रोजेक्ट के लिए 5 साइड से कनेक्टिविटी अगर अपने पास आ जाती है. PR7 रोड से अपने पास एक मेन कनेक्टिविटी है, दैट इज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट नियर अबाउट. एंड अगर हम बात करें कालका हिमाचल हाईवे, वो भी जीरकपुर के साथ कनेक्टेड रहेगा. अगर हम बात करें दिल्ली हाईवे से, तो दिल्ली हाईवे से अपने पास एक एयरपोर्ट रोड की बात की जाए, उससे भी कनेक्टिविटी रहेगी. प्लस अपने पास एक VIP रोड की बात की जाए, तो VIP रोड से भी इसकी कनेक्टिविटी रहेगी. अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की साइट की, तो ये अपने पास दो साइड से कनेक्टिविटी रहेगी. एक बिल्कुल मेन हाईवे पटियाला हाईवे से कनेक्टिविटी है, एक अपने पास बिल्कुल VIP रोड से कनेक्टिविटी आ जाएगी. टू साइडेड कनेक्टेड अपने पास ये प्रोजेक्ट रहेगा. अगर हम बात करें, ये दो ब्लॉक्स हैं अपने पास. जो ए ब्लॉक है उसकी फेसिंग सारी VIP रोड फेसिंग आ जाएगी. बी है, देन अपने पास सामने एक सी ब्लॉक आ जाएगा. सी ब्लॉक में अपने पास सारा का सारा कमर्शियल साइट्स, जितना भी आप देख रहे हो, ये लोअर ग्राउंड से थर्ड फ्लोर तक है पूरी. टोटल अगर हम इस प्रोजेक्ट की हाइट की बात करें, तो लोअर ग्राउंड से थर्ड फ्लोर तक ही अपने पास प्रोजेक्ट रहेगा. इससे ज़्यादा हाई राइज पर नहीं जाएगा. इसके पास भी एक रीज़न है, बिकॉज वी आर कमिंग विद द मल्टीप्लेक्स ऑल्सो. तो इस प्रोजेक्ट पे हम अगर हम बात करें, इस हाईवे की प्रोजेक्ट पे, हाईवे के प्रोजेक्ट पे हम लेकर आ रहे हैं मल्टीप्लेक्स का कंसेप्ट. अगर हम बात करें इस टोटली साइट की, तो इसे हमने दो पॉकेट में डिवाइड किया, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे. लोअर ग्राउंड से थर्ड फ्लोर, जिसमें अपने पास रिटेल कंसेप्ट है, कुछ मूवी थिएटर का कंसेप्ट है. एक ब्लॉक बिल्कुल साइड में अपने पास कॉर्नर साइट आ जाएगी, जो बिल्कुल कॉर्पोरेट कंसेप्ट रहेगा, जो ग्राउंड टू 6th फ्लोर तक आएगा, जिसमें अपने पास ऑफिसेज, सोहो, स्टूडियो अपार्टमेंट का कंसेप्ट रहेगा. स्टूडियो अपार्टमेंट की बात की जाए, इट्स लाइक अ होटल रूम कंसेप्ट. एंड टोटली कमर्शियल की बात की जाए, तो जिसमें हमारे पास रिटेल भी आ गया, मूवी थिएटर भी आ गया, प्लस फूड कोर्ट है, प्लस फाइन डाइनिंग कंसेप्ट आ जाता है. एंड लास्ट में एक कंसेप्ट आ जाता है बिल्कुल कॉर्पोरेट कंसेप्ट, जो ग्राउंड से 6th फ्लोर तक रहेगा अपने पास.
तो ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन साइट जो अभी सिर्फ बेसमेंट एंड लोअर ग्राउंड तक रेडी हो चुकी है। अगर हम इस कंस्ट्रक्शन की बात करें ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स में हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके बारे में और जानने के लिए चलते हैं इसके मॉडल पे। आइए बात करते हैं अब इस प्रोजेक्ट की कमर्शियल साइट के। दिस इज सोशल स्क्वायर जिसकी हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट की। टोटली कमर्शियल प्रोजेक्ट है। कमर्शियल प्रोजेक्ट को चलने के लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड होती है, जो है सबसे फर्स्ट अपनी जो है लोकेशन। सबसे पहले लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन अपना बिल्कुल बैंग ऑन हाईवे अपना प्रोजेक्ट आ जाता है। सेकेंड बात की जाए प्रोजेक्ट को, कमर्शियल प्रोजेक्ट को चलने के लिए डेंसिटी की, तो डेंसिटी के लिए अपने पास एक तो VIP रोड है जिसमें 20 से 22 सोसाइटीज़ जो है रेरा अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं, प्लस 19 सोसाइटीज़ हैं जो बिल्कुल नॉन रेरा अप्रूव्ड हैं, लाइक प्लॉट्स हैं, किसी ने प्लॉट्स भी अपनी कोठी वगैरह बनाई है, इस तरह का कंसेप्ट रहेगा। एंड थर्ड चीज़ प्रोजेक्ट को चलने के लिए जो रहती है वो है प्रोडक्ट मिक्स, जिसमें मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूं अगर तो प्रोडक्ट मिक्स ऐसा लेकर आए हैं जिससे ये प्रोजेक्ट जो है चलना ही चलना है। अब अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले एंट्री एग्जिट बिल्कुल अपने बैंग ऑन हाईवे के पास सर्विस लेन से अपनी एक एंट्री एग्जिट है। एक एंट्री एग्जिट अपने बिल्कुल VIP रोड से रहेगी, यहीं पर अपने पास जो है कट रहेगा जहां से आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं VIP रोड के लिए भी, और बिल्कुल ये पटियाला हाईवे की भी बात करें तो प्रोजेक्ट की मैंने बात की थी 2 पॉकेट में डिवाइड किया हुआ है। 2 पॉकेट की अगर बात करें, फर्स्ट पॉकेट जिसमें सारा रिटेल कंसेप्ट रहेगा, प्लस जिसमें मेरे पास मूवी थिएटर आ रहा है, फूड कोर्ट आ रहा है, फाइन डाइनिंग आ रहा है, एंड बेस्ट पार्ट इज दिस, वी आर आल्सो कमिंग विद लाइक इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग जोन कंसेप्ट। एंड सेकंड पॉकेट की बात करें जो बिल्कुल प्योरली कॉर्पोरेट कंसेप्ट रहेगा, जिसमें अपने पास ग्राउंड से लेकर 6th फ्लोर तक सारा कॉर्पोरेट कंसेप्ट आ जाएगा। इसकी बात की जाए कॉर्पोरेट कंसेप्ट की, ग्राउंड से लेकर 6th फ्लोर तक ये रहेगा अपने पास। ग्राउंड फ्लोर पे सारा कॉमन रिसेप्शन एरिया, कॉमन कैफेटेरिया, कॉमन रेस्टोरेंट, प्लस 3 छोटे-छोटे बैंक्वेट लेकर आ रहे हैं, लाइक बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या कुछ कॉन्फ्रेंसेस के लिए। इसमें अपने पास अगर हम बात करें, सोहो लेकर आ रहे हैं 1st फ्लोर पे, जिसमें स्मार्ट ऑफिस, होम ऑफिस, प्लस प्योरली ऑफिसेस, एंड वी आर आल्सो कमिंग विद द लाइक अ होटल रूम कंसेप्ट जो कि अपने लास्ट फ्लोर पे रहेगा, 5th और 6th फ्लोर पे आ जाते हैं। एंड अगर हम बात करें पॉकेट ए की, पॉकेट ए में प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं लोअर ग्राउंड से लेकर 1st फ्लोर तक अपने पास शोरूम्स रहेंगे 15x70 के, फ्रंटेज 15 है, 70 डेप्थ आ जाएगी। एंड फर्स्ट ट्राइसिटी का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम 12 फिट का वाइड कॉरिडोर लेकर आ रहे हैं। एंड स्पेशल थिंग अगर मैं बात करूँ इसके ग्राउंड फ्लोर शोरूम की, अभी तक अगर हम जीरकपुर में शोरूम की बात करें तो एक कॉमन हाइट के साथ आते हैं जो 12 से लेकर 13 फीट तक की हाइट का रहता है। यहाँ पर हम ग्राउंड फ्लोर के शोरूम में आ रहे हैं डबल हाइट शोरूम के साथ जो कि 20 से 22 फीट की हाइट के रहेंगे। प्लस इसी फ्लोर की अगर हम बात करें 1st और 2nd फ्लोर की, जिसमें हम मिनी शॉप्स, मिनी बेस शॉप्स लेकर आ रहे हैं एंड कुछ छोटी छोटी शॉप्स लेकर आ रहे हैं जिनके साइजेस 15x31, 15x26। एंड अगर मैं बिल्कुल मिनी मिनी शॉप्स की बात करूँ, 2nd फ्लोर पे रहेंगी जो 15x11, 15x13, 15x17 रहेगी, जो कि सारी सेंट्रलाइज्ड फ्लोर रहेगा, ओनली 2nd फ्लोर। अब अगर मैं सारी रिटेल कंसेप्ट की बात कर रही हूँ तो रिटेल में अगर हम देखें, छोटी से छोटी बड़े से बड़ा शोरूम जिसकी फ्रंटेज हर एक प्रोडक्ट की 15 रहेगी, जो कि वाइट अगर हम देखें बिल्कुल वाइट फ्रंटेज रहेगी। कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, तो हर एक शोरूम की बात की जाए, छोटी शॉप्स की भी बात की जाए, तो फ्रंटेज बहुत अच्छा दे रहे हैं। सबसे बड़ा USB पार्ट अगर हम इस बात प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट की हाइट भी इसीलिए ज़्यादा नहीं है बिकॉज वी आर कमिंग विद द मल्टीप्लेक्स लोअर ग्राउंड से 3rd फ्लोर। बात करते हैं 3rd फ्लोर की, अभी तक अगर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आपने देखा होगा तो हम सिर्फ अलेंटे के साथ कंपैरिजन करते हैं, वैसे अलेंटे के साथ अपना कोई कंपैरिजन नहीं है, बट वहाँ पर एक प्रोडक्ट मिक्स की बात की जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे कि 3rd फ्लोर की बात कर रही थी, यहाँ ए और बी टावर में मेरे पास 3rd फ्लोर पे मल्टीप्लेक्स का कंसेप्ट है जिसमें हम 6-स्क्रीन मूवी थिएटर के साथ आ रहे हैं। उसी फ्लोर पे हम लेकर आ रहे हैं छोटे फूड कोर्ट, 3rd फ्लोर पे फूड कोर्ट के साथ आ रहे हैं, जैसे सेम एज इट इज अलेंटे में है, छोटे छोटे फूड कोर्ट रहेंगे जिसमें आपका सिर्फ किचन का एरिया होता है एंड कॉमन सिटिंग एरिया आ जाता है बाहर आउटर साइड पे। एंड सेम एज इट इज इसके डी ब्लॉक की बात की जाए तो डी ब्लॉक में हम लेकर आ रहे हैं बड़े फाइन डाइनिंग। एंड सबसे बड़ा USP है, वी आर ऑल्सो कमिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग जोन, बच्चों के लिए एक फन सिटी का कंसेप्ट जहाँ पर अपने पास गेम्स आती हैं, लाइक जैसे अपना आपने अलेंटे में देखा होगा फन सिटी का कंसेप्ट है, सेम एज इट इज़ हम भी उसी तरह से आ रहे हैं। बात करते हैं अब इसके रूफटॉप की, रूफटॉप पे वी आर कमिंग विद द स्काई बार, ओपन बार एरिया है जिसमें अपने पास क्लब हाउस विद द स्विमिंग पूल रहेगा, उस तरह का कंसेप्ट आता है। तो ये तो अपने पास प्रोडक्ट से रिलेटेड था। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की USB की बात करूँ, 64% हम ओपन एरिया दे रहे हैं जिसमें अपने पास 36% बिल्टअप एरिया आ रहा है।
अब इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं, जितना भी आप ये ओपन एरिया देख रहे हो, ट्राई सिटी में फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 300 फिट का इनसाइट एरिया सारा ओपन एरिया रहेगा, जिसमें हम छोटे छोटे कियोस्क बना के लेकर आ रहे हैं। इट्स लाइक अलेफ्रेस्को स्टाइल, जिसमें आपका लाइक ओपन कैफेटेरिया या ओपन कोई भी खाने पीने का एरिया, प्लस ग्रीनरी, प्लस सिटिंग एरिया, प्लस वाटर बॉडीज के साथ आ रहे हैं। इस तरह का कंसेप्ट आ जाएगा। अब अगर पूरे प्रोजेक्ट की बात की जाए, पूरे प्रोजेक्ट में 7.25 एकड़ में ये जो प्रोजेक्ट है, जिसकी प्योरली बेसमेंट पार्किंग कंसेप्ट रहेगा, 2000 से 2200 कार पार्किंग स्पेस अवेलेबल रहेगा, जिसमें एक तो 7.25 एकड़ बेसमेंट पार्किंग है, प्लस अपने पास 600 का जो आप ये फ्रंटेज देख रहे हो, इस पे भी सरफेस पार्किंग आ जाएगी अपने पास। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10.5 लाख से 7 crore तक की इन्वेस्टमेंट है और बहुत ही अच्छे फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान रहेंगे। तो एक बार साइट विजिट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।